पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, वैसे तो मैंने आपको बताया था कि आपके सिलेबस में सीरीज रेजोनेंस सर्किट है, सीरीज एलसीआर सर्किट है, पर हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। छोटा सा इंट्रोडक्शन है, ब्रीफ है इसमें, कि मान लो आपके पास एक एल है और एक सी है, दोनों किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो अगर पैरेलल में कनेक्टेड है, ये सोर्स ऑफ ईएमएफ जो है ऑल्टरनेटिंग है, तो यहाँ से करंट आया, करंट कुछ इंडक्टर में चला गया और कुछ कैपेसिटर में चला गया। तो जो इंडक्टर में करंट गया वो आईएल गया, कैपेसिटर में आईसी गया, टोटल करंट आए आईएल प्लस आईसी। अब ईएमएफ दोनों में सेम है क्योंकि बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और ईएमएफ कितनी है, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो अगर ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो इंडक्टर के अंदर जो करंट है वो आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, क्योंकि इंडक्टर में जो करंट होता है वो ईएमएफ से पीछे होता है बाय एन एंगल ऑफ पाई बाई टू, और कैपेसिटर के अंदर जो करंट होता है वो ईएमएफ से आगे होता है बाय एन एंगल ऑफ पाई बाई टू। तो इंडक्टर के अंदर ये मैक्सिमम करंट है ई नॉट बाई एक्स एल, और कैपेसिटर में मैक्सिमम करंट है ई नॉट बाई एक्स सी। तो ये क्या है, माइनस पाई बाई टू, और ये क्या है, प्लस पाई बाई टू। अब यहाँ पर माइनस बाहर आ गया तो क्या बचेगा, साइन ऑफ 90 माइनस ओमेगा टी, 90 माइनस थीटा साइन क्या होता है, कॉस, तो माइनस कॉस ओमेगा टी। साइन ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस ओमेगा टी, तो यहाँ से कॉमन आ गया। अगर मैं अब ये पैरेलल सर्किट लूँ और ये बोलूँ कि मैंने रेजोनेंस करवा दी, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे एक्स एल किसके इक्वल है, एक्स सी, तो करंट स्टेट पे क्या जाएगा, जीरो। तो यही रिजल्ट है इसका, और कुछ नहीं करना आपने, कि अगर ये सर्किट सीरीज एलसीआर होता और रेजोनेंस होती तो करंट मैक्सिमम आता, और अगर ये पैरेलल एलसीआर पैरेलल सर्किट है और रेजोनेंस है तो करंट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे क्या आएगा, मिनिमम आएगा। ग्राफ याद करो, रेजोनेंस के ऊपर पैरेलल में करंट मिनिमम है और फिर इंक्रीज होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, सीरीज में उल्टा ग्राफ बनता है, पैरेलल में उल्टा ग्राफ बनता है।